प्रबंधक जड़े ने मैं सारिया नहीं कहता पर जिसने भी ये काम किया है उसने प्रबंधकी क्षेत्र एक बहुत वड़ा काले कारनामे अंजाम दिता है। इसलिए मैं दुख नाले गल संगत के सामने रखता और बेनती करता हाँ तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब की प्रबंधक कमेटी में पंच प्यारे साहबान ने और इस कंड के नाल श्री अकाल तख्त साहब जी के सत्कार योग जथेदार हरग्रंथी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने कि तुसी इस दे संज्ञान लेंदे होए इस ते वड्डी कारवाई करो। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸਿੰਗ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਚ ਵੀ ਆਇਆ और प्रशासन भी लगे मैं प्रशासन के उच्च अधिकारियों को मिल के भी आया वा वो कहते असी नकेल पावे भी तुम फिक्र ना करो असी पावे जेडे मेरे वीर ओला वेर टैक्सी चलाते कि बच्चिया अपनिया मिलदिया उन्होंने कहो पंत थोड़े करके सानू दूजिया कौम तो नमोशी कटनी पैंदी है तुसी बेटा होर कोई काम कर लो कोई होर जॉब कर लो इस पास ना तुसी तुरो ये काफी बच्चिया अपनी उरे आ गई बंडल गेट पिकनिक गार्डन अपने बाईपास चिनार पार्क कोई भी संगत देखना चाहे शाम को रात को असि ले जाके दिखा सकते हैं हम जागरूकता अपने सारे जो आप फैलावे अपनिया मावा भेन उन्होंने समझा जिथे मिलनिया ऑलरेडी लग गई बंदर गेट उथे वो भी बाजार कर दया अपन भी मावा भेन बाजार कर दया उन्होंने समझा लग गई दो परिवार एक परिवार का मैं थोड़ा दसदा मनजीत सिंह कलकत्ता जो श्रोमणी कमेटी का जनरल सकत्र रहा एडुकेशन मिनिस्टर रहा जमाई उन्होंने धी उन्होंने बच्चे इसे काम च लगे हुए अरेस्ट भी हो छे छे महीने तीन तीन महीने उन्होंने जेलां भी कटिया वा ते दूजा अपना इतिहासिक गुरद्वारा गुरद्वारा बड़ा सिख संगत उन्होंने प्रधान जेड़े है तजिंदर सिंह वालिया उन्होंने परिवार भी इसे काम च लग्या मैं उन्होंने चरणा च बेनती करदा भी वीर बहुत काम कार्य है संसार के तुसी होर कर लो ते ए तुसी साडियां बच्चियां नूं इस पासे ना लैके आओ ते इन्ना कहिंदा होया मतलब मैं खिमा दा जा चुका वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे हुणे कलकत्ते दी धरती तों एक बहुत ही दिल नूं दहला देण वाली और दिल शिकनी करन वाली खबर पहुंची है। पता चलिया है कि उत्थों दे किसे खास गुरुद्वारे दे एक प्रबंधक वालों बहुत ही घिनौनी कारवाई कीती है जिस नाल सिखी दे मत्थे ते दाग लग्या जिस नाल प्रबंधकी खेत्र विच सेवा करन दे चाहवाना दे और सेवा कर रहे लोगां दे मत्थे ते एक बदनुमा दाग लग्या है। ओह खबर यह है कि पता चलिया कि पंजाब दी धरती तों कुछ बच्चियां नूं ले जा के कलकत्ते विच गलत धंधियां विच पाया जा रहा है। इस बारे सरदार मनजीत सिंह जी और कुछ होर सज्जणां दे बयान भी आए हैं। मैं एक बेनती करना चाहुंदा मेरे अंदर दर्द है कौम प्रति ते मैं गुजारिश करना चाहुंदा मेरे नाल सत्कारयोग संत बाबा शमशेर सिंह जी जगेड़े वाले महापुरुष भी विराजमान हैं और संत बाबा धर्म सिंह जी चमकौर साहब वाले महापुरुषां दे भी दर्शन हो रहे हैं। मैं बेनती करना चाहना कि सिख ओ कौम है जिन्होंने अपनी जान खतरे च पा के अपना तन
अपनी जायदादां अपना सब कुछ खतरे ते पा के नहीं बल्कि तली ते रख के जेडे लोग दो दो टके तो हिंदुस्तान की इज्जत नू गजनी जाके दो टके तो वेचते सन उन्हां तो छुड़ा छुड़ा के लियांदा। और सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया ने यह महान कर्म किया 2200 बच्चियां नू छुड़ा के लियाए सन। और इस ढंग दे नाल उन्हां नू बंदी छोड़ लकब नाल पंथ ने नवाजिया सी। पर अज दुख की गल है कि साडे गुरद्वारियां दे प्रबंधक जड़े ने, मैं सारियां नू नहीं कहिंदा पर जिसने भी यह काम किया है उसने प्रबंधकी खेत्र विच एक बहुत वड्डा काले कारनामे नू अंजाम दिता है। इसलिए मैं दुख नाल इह गल संगत दे सामने रखदा और बेनती करदा हां तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब की प्रबंधक कमेटी नू, पंज प्यारे साहिबान नू और इस ढंग दे नाल श्री अकाल तख्त साहब जी दे सत्कारयोग जथेदार अते हड़ग्रंथी श्री दरबार साहब श्री अमृतसर सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी नू कि तुसी इस दे संज्ञान लैंदे होए इस ते वड्डी कारवाई करो। और इहदे नाल ही सत्कारयोग सिंह साहब जथेदार श्री केसगढ़ साहब श्रीमान ज्ञानी सुल्तान सिंह जी और जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब साबो की तलवंडी श्रीमान सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्हां नू बेनती करना। इहदे नाल नाल मैं कलकत्ते दे पुलिस प्रशासन नू भी बेनती करना कि इन्हां दुष्टां दे चेहरे जड़े ने इन्हां नू नंगा कीता जावे और लोकां दे सामने लियांदा जावे। इन्हां नू जो धार्मिक सजा बनदी है, समाजिक सजा बनदी है, जो कानूनी कारवाई बनदी है वह सारी जड़ी है वह इन्हां ते कीती जावे और संसार दे सामने मिसाली सजा दे के इन्हां लोकां नू नंगा कीता जावे ताकि अगे तो कोई ऐसी हिमाकत ना करे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये जिहड़ी कुछ खबरां अज तुहाडे सामने संगत दे सामने प्रबंधकां दे सामने कलकत्ता शहर दे विच्चों निकल के आ रही वा, जिहड़ी सिख कौम लोकां दियां धीआं भैणां दी इज्जत दियां राखी करदे सी ते जालमां तों बचा के लोकां दियां धीआं भैणां उन्हां दे घरों घर ही पहुँचाउंदे हुंदे सी, अज किड्डा दुखांत हैगा वा, किड्डी नमोशी वाली गल आ, किड्डी बेशर्मी वाली गल हैगी आ कि कुछ बशर्म लोग जिन्हां ने लोकां दियां धीआं भैणां छड्डो अपने समाज दियां धीआं भैणां नूं इह गर्क दे विच इह दलदल दे विच ढक्कण डए ने सिट्टण डए ने। ऐसे लोकां दे खिलाफ कलकत्ते दे कुछ प्रबंधक वीरां ने, कुछ संगतां ने, कुछ जिहड़े उत्थे सिख आगू ने उन्हां ने आवाज़ चक्की ते दास ने भी इहदे विच जिहड़ी आ इक आवाज़ नूं बुलंद करदे होए इस घोर जिहड़ा पाप ये कर रहे ने इन्हां नूं रोकण वास्ते ठल पाउण वास्ते जिहड़ी जंग वा जिहड़ी लड़ाई आ उह शुरू कीती आ। सारे मिल के असीं इस दी आवाज़ सूरज सिंह जी नाल, प्रतपाल सिंह जी दे नाल, होर कई साडे जिहड़े तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब प्रबंधक कमेटी दे जनरल सकत्तर साहब प्रधान साहब सारिआं नाल गल्लबात चल रही आ कि जे इस तरह की उत्थे एक चीज़ हो रही है कलकत्ते दे विच ते इसनूं रोकिया जावे, इहदे वास्ते असीं तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब दे तरफों बंगाल सरकार नूं भी मिलना वा मिलांगे ते इहदी जिहड़ी एक जांच टीम जिहड़ी आ उह बणा के इहदी पड़ताल जिहड़ी आ उह करवावांगे। सो आप प्रबंधक वीरां दा संगतां दा भी सहयोग बनदा सहयोग जिहड़ा वा उह करो, आवाज़ चक्को ते इह चीज़ जिहड़ी आ इस नूं बंद कीता जावे। सिख कदी ऐसी करतूत जिहड़ा नहीं कर सकदा कि अपने समाज दियां धीआं भैणां नूं इस तरह इस गंदे काम दे विच इस दलदल दे विच नहीं धकेल सकदा। जिहड़े पंथ दर्दी ने उह इस बारे आवाज़ चक्को, जरूर आवाज़ चक्को, इहदी पड़ताल करा के जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं
धार्मिक कानूनी सज़ा जिहड़ी आ उह भी दवाई जावे। इहदे विच आप सारे ही प्रबंधक एकजुट हो के सहयोग करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप पिछले दिन कलकत्ते शहर दे विखे सानू पता चलिया है कि पंजाब तो साड़िया सिख बच्चियां नू लिया के इत्थे बार डांस करवाया जा रहा है, बारां दे विच उन्हां नू बेचिया जा रहा है। जो खालसा पंथ गजनी दे बाजार विच्चों लोकां दीआं धीआं पैणां नू बचा के उन्हां दे घरां घरां विच छड के जांदे सी, अज ओह साड़ियां भैणां साड़ियां बच्चियां जे बार डांस दे विच डांस करनगियां ते साडा सिख पंथ किथे जाएगा। अज कौम नू सामण दी लोड़ है। मैं सरदार गुरचरण सिंह बिल्ला झारखंड सिख प्रतिनिधि बोर्ड वालों इहदी निखेधी करदा हाँ। और साडे वड्डे वीर सरदार जीती बाऊ कलकत्ते विखे जो रह रहे ने, असी उन्हां नू कहांगे आप जी एक जांच कमेटी बनाओ, साडी जिथे जरूरत पएगी असी अपनी टीम लैके पहुँचांगे। और तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब सरदार इंद्रजीत सिंह जी जनरल सकत्तर, सरदार लखविंदर सिंह लखावीर, इन्हां पास भी असी बेनती करांगे कि एक आप तख्त श्री हरिमंदर जी पटना वालों एक टीम बना के कलकत्ते भेजी जाए, इहदी जांच करके जो भी दोषी हन उन्हां ते सख्त ते सख्त कार्रवाई करके पंथ तो उन्हां नू कढ़िया जाए। आप जी नू फिर असी आश्वासन दिंदे हाँ कि आप जिथे भी कहोगे असी अपनी टीम दे नाल पहुँच के इस जांच दे विच पूरा सहयोग करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।